बन के एक हादसा बाजार में आएगा, जो नहीं हुआ होगा अखबार में आएगा। हिंदू टेरर पर डिबेट होगी एनडीटीवी पर, इस्लामिक टेरर कहने वाला इस्लामोफोब कहलाएगा। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तो दोस्तों आज 26/11 है और 26/11 के इस दिन वीर तुकाराम को नमन करते हुए, उनको याद करते हुए बात करेंगे 26/11 को किस तरीके से हिंदू आतंकवाद के साथ जोड़ने की एक कॉन्स्पिरेसी रचाई गई थी। तो पूरी कहानी बताएंगे किस तरह भगवा आतंकवाद शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया, किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी रची गई, सारी कहानी सूचीबद्ध तरीके से बताई जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो सबसे पहला सवाल, सैफ्रन टेरर या हिंदू टेरर नाम की जो टर्म है, ये सबसे पहले कब सामने आई? साल 2002 सैफ्रन टेरर नाम का एक आर्टिकल छपा एक मैगजीन द फ्रंट लाइन में, और यहीं से शुरुआत होती है इस टर्म की। अब ये जो मैगजीन है द फ्रंट लाइन, इसको शायद आप ना जानते हो मगर द हिंदू को आप जानते होंगे, एक ही बात है, दोनों सेम ही ग्रुप से हैं। इसके बाद कुछ सालों तक इस टर्म को बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया, लेकिन अचानक से 2007-2008 में इस टर्म का यूज बहुत ज्यादा होने लगा। दिग्विजय सिंह ने अपना पूरा अटैक और पूरे चुनाव प्रचार को इस एक टर्म के ऊपर करना शुरू कर दिया था। कांग्रेस ने इस टर्म का काफी प्रयोग किया। साल 2010 में पी चिदंबरम जो उस वक्त होम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक पुलिस का फंक्शन अटेंड कर रहे थे, उसमें इस टर्म का प्रयोग किया था। साल 2013 सुशील कुमार शिंदे जो उस वक्त होम मिनिस्टर थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन्होंने इस टर्म का प्रयोग किया, और साथ ही साथ उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया कि बीजेपी आरएसएस अपने कैंप में टेरर कैंप्स चलाते हैं। साल 2007-08 के बाद से ही एनडीटीवी पर डिबेट्स होनी शुरू हो जाती हैं हिंदू टेरर के ऊपर। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू वी द पीपल। इट साउंड्स अ स्टोरी स्ट्रेट आउट ऑफ अ हॉलीवुड और अ बॉलीवुड थ्रिलर। हियर्स व्हाट वी हैव बीन टोल्ड सो फार। अ वुमन साध्वी आर्म्ड ऑन अ मोटरसाइकिल confabulates with a serving army officer and a mahant from Jammu and goodness knows who else to plot the blast in Malegaon. बार बार लगातार इस टर्म को एनडीटीवी ने उठाया और इसके ऊपर डिबेट की, और आज भी जब भी उनका मन करता है इस पर एक डिबेट तो कर ही लेते हैं। साल 2010 में यूएस के प्रेसिडेंट भारत आए थे और भारत में उन्हें पीएम लंच के लिए बुलाया गया था। पीएम लंच पर उन्हें वहां पर राहुल गांधी भी मिले। अब राहुल गांधी ने यूएस के प्रेसिडेंट को वहां पर कहा कि भारत को ना लश्कर ए तैयबा से डरने की जरूरत नहीं है, हिंदू ग्रुप्स जो है वो ज्यादा खतरनाक हैं, उनसे डरना चाहिए। और शायद इसीलिए जब कसाब अपना काम कर रहा था 2008 में, तो ये भाई साहब पार्टी कर रहे थे। अब जब इतने लोग कह रहे हैं कि भगवा आतंकवाद होता है तो होता ही होगा, आइए देख भी लेते हैं। तो जी विकिपीडिया साफ तौर पर कहता है कि हाँ भाई हाँ होता है, होता है, ऐसा कैसे नहीं होता है। अब विकिपीडिया अलेजेड केसेस को लिंक कर हिंदू टेरर के साथ दिखाता है और कहता है कि देखो इन दो हमने तो प्रूफ भी दे दिया, होता है, होता है, बिल्कुल होता है। अब ये जो केसेस विकिपीडिया ने दिखाए हैं उनकी वैधता भी हम आगे इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन ये जो विकिपीडिया है ये लव जिहाद के केस में कह देता है, लव जिहाद तो इमेजिनरी टर्म है जो कि हिंदूवादियों ने बना दी है और ऐसा कुछ होता नहीं है, इस्लामोफोबिक है लोग। यही विकिपीडिया एनटीसीए राइट्स को जो दिल्ली में हुए थे उनमें हिंदुओं का लिंक डाल देती है भर भर के, और पुलिस की चार्जशीट तो कुछ और ही कहती हुई दिखाई देती है। अब जैसा कि हमने आपको बताया साल 2007-08 में इस टर्म को बार बार प्रयोग में लाया जाने लगा, बड़े बड़े नेता इसे अपने चुनावी भाषणों में कहने लगे। अब इसी साल 2008 में एक घटना और हुई 26 नवंबर को। एक आदमी अपने साथियों के साथ आता है, उसके हाथ में कलावा बांधता है जो कि हिंदू बांधते हैं, उसकी जेब में एक हिंदू नाम का आइडेंटिटी कार्ड होता है और वो लोगों को मार रहा होता है मुंबई के अंदर। उसके साथी मारे जाते हैं और पूरी उम्मीद थी कि वो भी मारा ही जाता मगर वो जिंदा पकड़ा गया। अब उसे पाकिस्तान की मीडिया ने किस तरीके से डिस्क्राइब किया वो देखिए। आप नोट कीजिए कि हाथ के ऊपर ये येलो बैंड पहना हुआ, ऑरेंज रंग का जो बैंड है, ऑरेंज बैंड, ये सैफ्रन बैंड जो है ये बीजेपी के दहशतगर्दों की खास निशानी है। इस लड़के का नाम अमर सिंह है और इसके साथ जो दूसरा लड़का मारा गया है इसका नाम हीरा लाल है। साल 2010 अजीज बरनी जो कि सहारा उर्दू न्यूज़पेपर के लिए पत्रकारिता करते हैं, ये किताब लिखते हैं जिसका नाम होता है 26/11 आरएसएस की साजिश। अब ये भाई साहब अपनी किताब में भर भर कर लिखते हैं कि इसमें पाकिस्तान का कुछ रोल नहीं था
और साथ ही साथ ये इंडियन आर्मी के ऊपर, हिंदू ग्रुप्स के ऊपर इसका पूरा का पूरा थोप देते हैं आरोप को। इनकी इस किताब को लॉन्च करने आते हैं महेश भट्ट, दिग्विजय सिंह, और ये कहकर इसे लॉन्च किया जाता है। दिस इज द थीम व्हिच इज बीइंग प्रोपाउंडेड बाय ऑल दोज हु फील हर्ट व्हेन आरएसएस इज अटैक्ड। नोवेयर इन दिस बुक और नोवेयर इन मिस्टर मुशर्रफ बुक यू विल सी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पाकिस्तानी टेररिस्ट इन 2611। कार्रवाई निश्चित तौर पर अशोक सिंघल के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये वो मानसिकता है जिस मानसिकता से ये सारे लोग ग्रस्त हैं। हिंसा इनका चरित्र है, हिंसा इनका व्यवहार है और नफरत इनकी स्ट्रेटेजी है। देयर आरएसएस एक्टिविस्ट विद देयर कनाइवेंस, आई एम अगेन रिपीटिंग, विद देयर कनाइवेंस एंड सपोर्ट आर पार्टिसिपेटिंग इन एक्ट्स ऑफ टेरर। ये जो जर्नलिस्ट है ना, इनको मनमोहन सिंह एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म के लिए अवार्ड भी देते हैं साल 2007 में। और जैसे कि हमने आपको बताया कि साल 2007-08 से ये टर्म प्रोमिनेंस में आती है, और विकिपीडिया जो प्रूफ्स देता है वो भी साल 2007-08 से ही शुरू होते हैं। तो वो प्रूफ्स कौन से होते हैं, उनका क्या वर्डिक्ट आता है, उसके बारे में जान लेते हैं। विकिपीडिया लिखता है ये ब्लास्ट किया, वो ब्लास्ट किया, ऐसे किया, वैसे किया, और इसको पढ़कर हम लोग मान भी लेते हैं विकिपीडिया ने कहा है सही ही होगा। तो उसमें से एक ब्लास्ट होता है मेका मस्जिद ब्लास्ट। ये ब्लास्ट 2007 में हुआ था और उसके बाद असीमा नंद को पकड़ा गया था कि तुमने ही किया है। उसके बाद कोर्ट साफ तौर पर कहता है कि नहीं नहीं, इन्होंने तो नहीं किया है। दूसरा अटैक है मालेगांव ब्लास्ट, और इसके लिए साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को अरेस्ट किया जाता है। अब इनको अरेस्ट मकोका के अंडर किया जाता है और कोर्ट इस पर फैसला ये देता है कि मकोका इनके ऊपर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अभी तक इनके अगेंस्ट कोई भी सबूत नहीं मिला है। इस केस का वर्डिक्ट पूरा आना अभी बाकी है, जिसमें यह साबित होगा कि इन्होंने किया था या नहीं किया था। मगर एज फार एज कोर्ट इज कंसर्न, अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला है और इसलिए उनके ऊपर मकोका नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा विकिपीडिया बात करता है समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट की, और उसके अंदर वो एक हिंदू ग्रुप को जोड़ते हैं कि भाई इन्होंने कराया था, लेकिन बाद में साफ पता चलता है कि लश्कर-ए-तैयबा ने ये ब्लास्ट कराए थे, और शायद हो सकता है इसीलिए राहुल गांधी को लश्कर-ए-तैयबा से डर नहीं लगता और हिंदू ग्रुप से ज्यादा डर लगता है। ये सब जो अटैक्स हैं, ये सभी 2007-2008 या उसी के आसपास के अटैक्स हैं, और इनमें सभी हिंदू ग्रुप्स को ही जोड़ा गया था। और उसके बाद साल 2008 में नवंबर में कसाब को हिंदू बनाकर भारत में पेश किया गया था, और वो सब कुछ कर रहा था जो वो कर रहा था। उसके बाद कसाब जो है जिंदा पकड़ा जाता है, अगर वो जिंदा पकड़ा नहीं जाता तो ये यहां पर भी अपनी कॉन्स्पिरेसी को बढ़ाने में सफल हो जाते। अब कसाब को जिंदा पकड़ तो लिया गया, लेकिन उसको बचाने के लिए भी हर संभव प्रयास किए गए। NAC नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जो कि कांग्रेस की एडवाइजरी काउंसिल है, जिसको हेड करती थी उस वक्त सोनिया गांधी, और यहां पर एडवाइजेस ली जाती थी लोगों से कि भाई क्या करना चाहिए कांग्रेस को, क्या नहीं करना चाहिए। उसके दो मेंबर्स, जिनमें से एक तो क्लोज एड ऑफ सोनिया गांधी है, वो साइन करते हैं एक पेटिशन के ऊपर, जिस पेटिशन में कहा जाता है कि कसाब को माफी दे दो प्रेसिडेंट जी, कसाब तो भोला भाला आदमी है, अगर ये चला जाएगा तो ये गाना कौन चलाया बे। 203 पेटिशनर थे कसाब को बचाने के लिए, साइन कर बाकायदा, बड़े बड़े एमिनेंट लोग थे ये सब। अब हिंदू टेरर को स्थापित करने के लिए कोई कॉन्स्पिरेसी जब सफल नहीं होती है तो ई वाली बकैती शुरू कर देते हैं। जिन लोगों को आज तक ओसामा बुरहान कसाब का धर्म नहीं पता चला, उन्हें अचानक से टेरर का धर्म और कलर दोनों ही दिख गए। जो लोग पुलिस की चार्जशीट के बावजूद उमर खालिद को मासूम बताते हैं, वो कोर्ट की वर्डिक्ट के बावजूद हसीमानंद को टेररिस्ट बताते हैं। ये लोग कहते हैं कि अफजल को जजेस ने मार दिया और हर घर से अफजल निकलवाना चाहते हैं, याकूब को गलत टांग दिया, ये लोग ऐसा भी बताते हैं। साथ ही साथ इनको भगत सिंह दिखता है बुरहान वानी में। अब ऐसे में कोई इन्हें एंटी नेशनल बोल दे तो इन्हें बुरा लग जाता है, कोई बोल नहीं सकता इन्हें ऐसा कुछ। लेकिन ये हिंदू टेरर की बिना प्रूफ के बांसुरी बजाते रहते हैं रोज रोज, काफी कूल लगता है नहीं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। हमारी मर्चेंडाइज आप भोकालफैक्ट्री.com से खरीद सकते हैं, हमें patreon.com या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, हमें आप सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।
आपको सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कुछ लिंक्स आपको पिंड कमेंट में भी मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। जय हिंद, जय भारत।